गुड आफ्टरनून, मैं सुमन देसलहरे स्टाफ नर्स हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि वीडियो के माध्यम से हैंड वॉश कैसे करते हैं, कौन से तरीके से करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हैंड वॉश जो होता है तीन टाइप का होता है। पहला है सोशल हैंड वॉश, दूसरा है मेडिकल हैंड वॉश और तीसरा है सर्जिकल हैंड वॉश। सोशल हैंड वॉश जो होता है वो 30 से 40 सेकंड के लिए होता है और मेडिकल हैंड वॉश जो होता है वो होता है 1 से 1.5 मिनट के लिए और सर्जिकल जो हैंड वॉश होता है वो होता है 2 से 5 मिनट के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हैंड वॉश का स्टेप्स कैसा है। सबसे पहले तो जो भी ऑर्नामेंट हम लोग पहने रहते हैं, जो भी रिंग्स वगैरह पहने रहते हैं, वो पहन के ही नहीं आना है। और सेकंड, जब भी हम लोग हैंड वॉश के लिए जाते हैं तो सारा चीज़ों को निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हैंड वॉश लेते हैं हम लोग, 2 पंप लेते हैं। 1 पंप में 1.5 ml आते हैं तो 2 पंप लेते हैं, जिसमें 3 ml में अपना हैंड वॉश अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हैंड वॉश लेते हैं और पानी से पहले हाथ को गीला करते हैं, हैंड वॉश लेते हैं, उसके बाद पूरे हाथों में अच्छे से फैलाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा पाम टू पाम होता है, जिसको अच्छे से रब करना होता है। पाम टू पाम रब करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे इसको। उसके बाद फिर होता है सेकंड स्टेप होता है हमारा बैक ऑफ द पाम, हाथ के पीछे को अच्छे से धोना है, जिसको भी हम लोग 5 टाइम करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे हाथ को रगड़ना है अच्छे से, तो बैक ऑफ द पाम को, इसको भी 5 टाइम करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा इंटरलेस। इंटरलेस जो होता है उंगलियों के बीच को अच्छे से क्लीन करना होता है, ये होता है, इसको भी 5 टाइम्स करेंगे हम इंटरलेस। उसके बाद फिर होता है इंटरलॉकिंग, दोनों हाथों को लॉक करते हुए क्लीन करना है, ये होता है इंटरलॉक। फिर दूसरे हाथ में भी अच्छे से रब करना है। उसके बाद फिर होता है थंब रोटेशन। थंब रोटेशन हमेशा होता है, थंब को हमको नीचे करना है और इनर टू आउटर रोटेट करना है। ये हमारा इनर एरिया होता है और ये आउटर होता है, तो इनर टू आउटर करते हैं, इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद फिर दूसरे हाथ में करेंगे इनर टू आउटर रब करेंगे थंब को। उसके बाद फिर होता है हमारा फिंगर टिप्स, फिंगर को स्कूप बनाते हुए रब करना है अच्छे से, दोनों हाथों में 5 5 टाइम्स। उसके बाद फिर हाथ को धो देना है। थैंक यू।